नाम बताइए। गणेश कनेरिया। सर ये जो घटना हुई है कब कब किस किस तारीख में हुई है? ये 17 तारीख को रंगपंचमी के दिन सर। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कुछ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था या क्या हो रहा था? क्या है, मंदिर है। हाँ, तो आसपास बाउंड्री करती है, जिसकी जगह मतलब वो पता नहीं उसकी जगह किसकी है, लेकिन मंदिर हमारा बहुत दिन से है। अच्छा, 12-13 साल से, तो उसने बाउंड्री कर ली। अब हमको तो रोज जाना पड़ता है पूजा करने के लिए, बाहरा सुंदर माता जी के लिए। अच्छा, तो ये क्या कोर्ट कर दिया, तो वहाँ से जगह तो रही नहीं जी। तो ये ऊपर से निकल के जा रहा था जी, तो तार इतने नीचे था कि इसको दूर से मतलब थोड़ा पास से चला गया होगा। तो जी जी जी, तो उससे एकदम मतलब इन्हें करंट लगा और झटका लगा, ये गिर पड़ा। करंट लगा और देखकर पूरा पाँव में ज्यादा हो गया, ये गले में लग रहा। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपने कहाँ का आवेदन दिया, जैसे थाने पे कोई FIR दर्ज कराई है? सर हम थाने पे तो गए थे 15-20 लोग। कौन सा थाना आता आपके अंतर्गत, आपके क्षेत्र में? ये आजाद नगर। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको, कोई FIR दर्ज करी या नहीं करी? सर FIR दर्ज नहीं करी, उन्होंने बोला कि आपको यहाँ क्यों आया, बोले वहाँ लाइट वाले के वहाँ जाना था बोले। अच्छा अच्छा, ये कहकर आपको लौटा दिया? हाँ सर जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कलेक्टर में कोई आवेदन वगैरह दिया हो जनसुनवाई में? जनसुनवाई में तो सर नहीं दिया। जनसुनवाई में अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया, और MPB में कोई अभी तक आवेदन दिया है कि ये MPB के वायर जो भी है लटक रहे हैं? सर हमने बहुत बार जाके बोल दिया वहाँ पर। अच्छा, कि इसको सर हमारा पहले भी और दो को और भी लग गया है, कुछ जो काम कर रहा था जी उसको भी लग गया करंट, तो उसकी उंगली खराब हो गई है जल्दी। आप क्या काम धंधा क्या करते हैं सर? मैं सर सब्जी का करता हूँ, सब्जी लाता हूँ मंडी से थोड़ी बहुत। अच्छा, और बेच लेता हूँ वहीं। अच्छा, आप मतलब गरीब बेरोजगार टाइप है, और आपके जो बालक है जो ये क्या काम धंधा करते हैं? ये सर पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई कर रहे हैं जी सर। ठीक सर।